दुर्ग के पुरैना में तीन सड़कों में जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ कराए गए मरम्मत के काम की पोल खुलने लगी है। दरअसल जिले के पुरैना में 9 लाख की लागत से 3 गलियों के मध्य सीमेंटीकरण का काम किया जाना था। 70% तक काम पूरा भी हो गया था, लेकिन स्थानीय नागरिकों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री से शिकायत की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण एक सड़क को उखाड़ने के निर्देश दिए। वह इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कहा कि भ्रष्ट सरकार में ये सब होना लाजमी है। वहीं सड़क के उखड़ने की घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 साल बाद तो सड़क बन रही थी, लेकिन राजनीति के कारण अधिकारियों ने इस सड़क को तोड़ दिया। सड़क तोड़ने से आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो इनका कारण ही मतलब इनकी आदत सी है, और जब कुछ बात बोलो तो बोले हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो खुद अपने ऊपर वो लगा रहे हैं। मतलब आए दिन जो सड़क अच्छा है उस सड़क को ही बर्बाद कर रहे हैं, और जो बना रहे हैं वो बर्बादी के आलम में है। अभी देख रहे हैं आप, उसी सड़क को बनाए थे लोग, उसी सड़क को उखाड़ रहे हैं। सड़क तोड़वाया गया है, मसाला इसमें सीमेंट का कमी हुआ है और थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है, तो हम लोग बोले कि ढलान करो। ढलान उन लोग ने किया और सीमेंट का बहुत कमी है, इसलिए हम लोग लेटर डाले। ये जो है सो रोड थोड़ा उधर डाउन होने के कारण ये एप्लीकेशन दे के तोड़वाया गया है, जिसमें मेरा इतना नुकसान हुआ है। हम लोग चाहते हैं जो इसका हानि का पूर्ति किया जाए।